माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि बच्चों के स्कूल जो है अब दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं, तो सोचा क्यों ना आपके साथ में ये वीडियो मैं शेयर करूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए कुछ लड्डू, और ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं ये। पहले भी मैं बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, दो बार मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया हुआ है ड्राई फ्रूट लड्डू का, आप चेक कर सकते हैं। एक नए तरीके से आज मैं बना रही हूँ ये वाले लड्डू, तो सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई को रख लिया, तो हम आज जो है खोया बनाएंगे, मावा हम जिसको बोलते हैं, दूध डाल के हम बनाएंगे खोया। तो दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे तेज दिमाग और चुस्त दुरुस्त बने, लेकिन बच्चों का क्या है, वो तो हेल्दी चीज़ें खाना पसंद ही नहीं करते। तो ऐसे में बच्चे का दिमाग तेज करने के लिए माँ बाप ना उसको बादाम खिलाते हैं, लेकिन केवल बादाम खाकर किसी का दिमाग तेज नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए और भी ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम उन्हीं पोषक तत्वों को मिलाकर, उन्हीं सब ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर हम बनाएंगे लड्डू बच्चों के लिए। बड़े भी इसको खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं बच्चों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और उनको दिमाग तेज करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों का दिमाग तेज करना है तो स्पेशल लड्डू कैसे बनाए जाएं। तो जैसे कि मावा बनाने के लिए कढ़ाई को हमने रख दिया और दूध में भी उसको चढ़ा दिया है, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, बाकी जो छोटे मोटे काम है उसको हम इतने कंप्लीट करेंगे तब तक हमारा मावा रेडी होगा। लेकिन ध्यान रखिए इसको बीच बीच में चलाते रहना है, अदरवाइज जो दूध है वो कढ़ाई में लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारे पास है जो बेसन वगैरह वो भी सब, और बोरा में छान के सबको रख लूँगी। अब हम एक पैन लेंगे, उसको गैस पर रख देंगे और लो फ्लेम आपको रखना है। इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमचा हमने डाला है देसी घी का, इसको मेल्ट होने देंगे। देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, बादाम मैंने डाला है, काजू डाला है, तिल मैंने इसमें डाला है और सनफ्लावर सीड्स मैंने डाले हैं इसमें, और हम डालेंगे मखाना। आप चाहें तो और भी बाकी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी इसमें वही ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं जो मेरी बेटी खाती है। अब हम इनको 2 मिनट तक भूनेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी मखाना डालते हैं आप मखाना में देखें, कुछ मखाना में ना इस तरह का ब्लैक वाला पार्ट लगा हुआ होता है, तो उसमें से ये निकाल दीजिए। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो थोड़े भुन चुके हैं, अब हम इसको अलग से एक बर्तन में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसको मिक्सी जार में डालिए और इसका एक पाउडर बना लीजिए, ड्राई फ्रूट्स पाउडर। तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो है बनकर हो चुका है रेडी, अब हम मावे को कर लेते हैं तैयार। तो हमारा जो खोया है वो भी बनकर रेडी हो चुका है, इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक मावा ठंडा होता है, तो चलिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे एक देसी घी। यहाँ पे 2 चम्मच मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, बाकी अगर नीड होगी तो बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी बेसन, और बेसन को हमें इस घी के अंदर अच्छे से भूनना है, जब एक महक आने लगी और थोड़ा सा बेसन का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। यहाँ पर मैं बेसन का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बेसन मिक्स करने वाली हूँ जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने पहले बिना बेसन के ही बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा,
पॉसिबल। लेकिन बेसन मैं इस बार इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पीहू की फरमाइश थी, जो मेरी बेटी है, कि मुझे येलो लड्डू खाना है, तो वो येलो लड्डू बेसन की वजह से बन जाएंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसन का यूज़ नहीं करेंगे तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अपने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं उसमें मैंने खजूर का यूज़ किया है, वो खजूर आप यूज़ करिएगा। नेचुरल शुगर होती है जिसमें आपको शुगर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होते हैं, वो खा सकते हैं उनको ईजिली, उनको शुगर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बेसन भुनकर रेडी हो चुका है, इसको एक बर्तन में निकाल देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप अगर बेसन के भी लड्डू बनाते हैं ना तो उसमें हैंड टू हैंड जब बेसन गर्म होता है तब बूरा ना डालें, उससे जो है गांठें पड़ जाती हैं। थोड़ा सा बेसन को ठंडा होने दें, देन उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हम बूरा। तो यहाँ पर मैं बूरा का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी हम इसमें बूरा डालेंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर स्पैचुला से आप अच्छे से नहीं मिक्स कर पा रहे हैं तो हैंड से आप जो है इसको मिक्स कर लीजिए, हाथों से बहुत अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं। तो बूरा को हमने अच्छे से ऐड कर दिया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि गांठें बेसन में ना पड़े। और सारा ड्राई फ्रूट्स पाउडर इसमें डाल दीजिए। एंड यू नो गाइस, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, इतने अमेजिंग लगते हैं। लेकिन अगर आपके घर में किसी को बेसन के लड्डू भी पसंद है ना तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। कई बार बच्चे अगर हम काट के डालते हैं ड्राई फ्रूट्स तो नहीं खाते, उसमें से ड्राई फ्रूट्स निकाल देते हैं, पाउडर अगर आप डालेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कितने ज़्यादा जो हेल्दी चीज़ें आपने इसमें डाली हुई है। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है मावा। मावा को ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से आपको मिक्स करने है जिससे कि सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस इस तरीके से फिर हम इसके जो है छोटे साइज़ के लड्डू बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो गाइज़ आप इन लड्डू को ज़रूर से बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। रात में आप दूध के साथ जो है एक लड्डू दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू है। और आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।